कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज इस सेशन में हम लोग एलजेब्रा फिर से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपको एक बेहतरीन बढ़िया से कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि एम प्लस ए प्लस एम इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास 31। एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, m प्लस m प्लस m n इक्वल टू 31 है। और आपसे मैं पूछूं कि यहां से 1 प्लस m इनटू 1 प्लस n इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप जानते हो तो बना सकते हो और नहीं जानने की तो कोई संभावना ही नहीं है कि बन पाएगा। तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपसे ये तो एकदम डायरेक्ट पूछते हैं कि 1 प्लस m इनटू 1 प्लस m क्या होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है। मान लो यहां से हम पूछ दें कि बताइए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा, मैं आपसे पूछ दूं कि 2 इनटू m प्लस n क्या होगा, तो आपको m और n का वैल्यू भी निकालना होगा। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। ओके, चलिए तैयार रहते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और फिर खुद ही आप इस क्वेश्चन का जवाब देने लायक हो जाओगे। फिर से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा भी नहीं, बहुत कम संभावना है बताने का। अब देखो, आपको एक मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला के तौर पर लीजिए कि अगर आपको 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, देखिए आप ये फॉर्मूला को बहुत बार देखे होंगे, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी जो होगा, आप देखो 1 प्लस ए को 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर एक को बी से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर आप एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और फिर आप देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे आपको ए भी आ जाएगा। तो आप देख पाए कि जब 1 प्लस ए को 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 1 प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी। इसको सजा करके लिख सकते हो 1 प्लस ए, सॉरी सजा कर लिख देना है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का ये फॉर्मूला है। ओके, आप इसको कहीं कॉपी पे उतार लीजिए क्योंकि ये काफी काम का चीज है। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए। और ठीक इसी प्रकार से टर्म को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो तो देखिए 1 प्लस ए और 1 प्लस बी को तो ऑलरेडी आ गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी बी सी सी ए और प्लस ए बी सी। क्लियर, आपको ये चीजें मिलेंगी कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। अब यही आपका क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपका एक फॉर्मूला निकल गया। पहला तो मैं दो टर्म को मल्टीप्लाई किया आपस में, 1 प्लस ए को 1 प्लस बी से, तो यू विल गेट 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। और फिर हमने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, तो आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ये फॉर्मूला दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसके पहले जब क्लास स्टार्ट किए थे हम आपको क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन पे फोकस करिए। देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि m प्लस m प्लस mn इक्वल टू 31,
और आपको मैंने पूछा था कि बताइए 1 प्लस एन इंटू 1 प्लस एन इक्वल टू व्हाट, ठीक है? तो अब आपको ध्यान में आ रहा होगा इससे 1 प्लस एन इंटू 1 प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप अभी देखे ना 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, तो लाइक दैट 1 प्लस एम प्लस एन प्लस एम एन यही तो होगा। दैट मीन्स यहाँ घट क्या रहा है, अगर 1 रहेगा तो इस स्टेटमेंट को, अगर 1 नहीं था, अगर 1 ऐड कर दिए तो इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम, ओके। और ये किसके बराबर होगा, इधर भी एक जोड़ दो तो 31 और 1 32, देखिए आंसर आ गया। सिर्फ एक सेकेंड का क्वेश्चन था, अगर आपको जानकारी रहती तो, एक सेकेंड का क्वेश्चन था। अब मान लीजिए यहाँ से आपको पूछ दे कि बताइए तो एम का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बड़ा आसान चीजें हैं, देखो 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम का वैल्यू आपके पास 32 आ गया। अब 32 को फैक्टर कर लो ना, 32 एक गुने 32, ठीक है, फिर 32 कैसे 2 गुने 16, फिर 32 3 से तो नहीं होगा, 4 8 32, 5 से तो नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से 8 6 को 32, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, अब होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तीन पॉसिबल वैल्यू आ गया, इसका किसका 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम का। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम का वैल्यू हो गया 1 गुने 32, मतलब 1 और 1 प्लस एम 31 को इंडिकेट करता है और 1 प्लस एम 32 को इंडिकेट करता है। आप देखो 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम इक्वल टू 1 गुने 32, ओके। तो आप देखो अगर 1 प्लस एम 1 के बराबर होगा तो एम का वैल्यू क्या होगा, 0, जो पॉसिबल है ही नहीं, एम 0 हो जाएगा तो सभी ना 0 हो जाएगा, तो ये 0 रहेगा ही नहीं, मतलब ये वाला पॉसिबल वैल्यू नहीं है। दूसरा का पॉसिबल वैल्यू है आपका कौन कौन, 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम इक्वल टू 2 गुने 16। अगर मान लो 1 प्लस एम को 2 के बराबर कर देते हैं तो एम की वैल्यू क्या आ गया 1, और 1 प्लस एन को अगर 16 के बराबर कर देते हैं तो एन की वैल्यू क्या आ गया 15। तो आप देखो ना एम का भी वैल्यू आ गया और एन का भी वैल्यू आ गया, सेटिस्फाइड करेगा, देखो सेटिस्फाइड करेगा 1 प्लस एन, मतलब एम की जगह पे 1 आ गया 1 1 2, क्लियर, और यहाँ पे आ गया एन की जगह पे 15 15 1 16, तो 16 2 32, ठीक है। तो ये भी ये पॉसिबल वैल्यू है, ये भी होगा, यहाँ से एम और एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपको मैंने समझा दिया, कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन है कि x प्लस y प्लस xy इक्वल टू 208, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं बताइए तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये आपका वैल्यू है। चलिए आप निकालिए, आपको कुछ समय मिलता है, आप आंसर निकाल कर दिखाइए इसका आंसर क्या आता है। जहां एक्स वाई जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 208, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ एक दोनों तरफ नहीं है तो एक दोनों तरफ ऐड कर दो, तो जब दोनों तरफ एक ऐड हो गया तो आप देखो 1 प्लस x ये हो गया और इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 209, ठीक है, ये आ गया आपका 209। अब आपको 209 को तोड़ना है कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, ठीक है, कि आपका वैल्यू निकल जाए x और y का। ओके चलिए निकालिए, फैक्टर कीजिए, अभी तक मैंने आपको फैक्टर करने के लिए सिखाया था कि कैसे इसको फैक्टर करेंगे, तो देखो इसको कैसे फैक्टर करोगे, पहला 1 गुणे 209 लिखेंगे और ये आप देख सकते हो 11 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, मान लो 11 है तो 11 का 11 है और कितना बचेगा 11 9 99, तो 11 गुणे 19 हो गया, 19 में 11 से गुणा करोगे 209 आ जाएगा। तो एक चीज की एक जब है तो एक से वैल्यू 0 तो ये तो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं होगा,
ठीक है, मतलब 1 प्लस एक्स जो है 11 के बराबर होगा और 1 प्लस वाई 19 के बराबर होगा। जब 1 प्लस एक्स 11 के बराबर होगा तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के सामने आएगा 10, और 1 प्लस वाई 19 के तो वाई का वैल्यू किसके साथ किसके बराबर हो जाएगा आपका 18 का। तो आप देख लो एक्स का वैल्यू 10 आ गया, वाई का वैल्यू 18 आ गया, 10 प्लस 18 28। मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। बराबर होना चाहिए। आप सॉल्यूशन करो, आपको टाइम मैं देता हूं, बहुत ही
इत्मीनान से और बहुत ही ज्यादा शांत होकर के इस क्वेश्चन को आप बनाइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाइए। ओके, तो आप देख सकते हो कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, चलिए ठीक है। इफ a प्लस b प्लस a इक्वल टू 186, तो इसको देख करके घंटी बज रहा होगा आपके दिमाग में कि सर यहाँ पे अगर 1 रह जाता ना तो एक ऐड कर दी LHS में, RHS में भी एक ऐड कर दो। तो आप देखो ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसका होता है, अरे भाई अभी तो बताएं 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 187 हो गया। अब 187 को फैक्टर कर दो ना, 1 × 187 और इधर कोई 11 से कटने वाला है, तो देखो 11 से कटने वाला है तो कितना बचा, 11 एकम 11 और बचेगा 7, 11 × 7 = 77, ठीक है। तो आप देखो यही फैक्टर हो गया 187 का, 1 प्लस a किसके बराबर, 11 के बराबर, तो a कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। 1 प्लस b 17 के बराबर, b किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो निकालना है a माइनस b, a माइनस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 16, ठीक है, तो आगे माइनस 6। अब एक चीज समझो, आपको वैल्यू लेते समय ध्यान देना, लिखा हुआ है क्या, ए बी जो है 20 से छोटा है, आप ए माइनस बी निकालना है, और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे निगेटिव आंसर आ गया है, मान लो पॉजिटिव में लाना चाहते हो तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे हटा देंगे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 = 11,